लड़की ने रूबेला वायरस का हवाला देकर भारत के 60,000 टन गेहूं की खेप वापस लौटा दी। गेहूं भारत की ITC ने जेनेवा की कंपनी को बेचा था, जिससे तुर्की ने खरीद की है। ये आयात करने वाले देशों में कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदिता के कारण भी हो सकता है। मौजूदा मुश्किलें दौर में जहां दुनिया गेहूं की बढ़ती कीमतों से परेशान और भारत से गेहूं का निर्यात खोलने की गुहार लगा रही है, वहीं कश्मीर मुद्दे पर भारत की मुखालफत करने वाले तुर्की ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तुर्की ने रूबेला वायरस का हवाला देकर भारत के 60,000 टन गेहूं की खेप वापस लौटा दी। यह गेहूं भारत की ITC ने जेनेवा की कंपनी को बेचा था, जिससे तुर्की ने खरीद की है। तुर्की द्वारा गुणवत्ता की चिंताओं की वजह से भारतीय गेहूं की खेप को नहीं लेने की खबरों के बीच खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने इस मसले पर तुर्की के अधिकारियों से विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्यातक ITC लिमिटेड ने दावा किया है कि 56,877 टन के निर्यात खेप को सभी जरूरी मंजूरियाँ प्राप्त थी। कृषि वैज्ञानिक हैरम चटर्जी ने बताया कि रूबेला जैसी बीमारी के भारतीय गेहूं में होने की बात अचरज पैदा करती है। ऐसी कोई बीमारियां भारतीय गेहूं के संदर्भ में ज्ञात नहीं है। भारत सरकार को तुर्की से जांच की पूरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तुर्की लंबे अरसे से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुखालफत कर चुका है। रूबेला वायरस या जर्मन खसरा एक संक्रामक वायरस है। यह अक्सर शरीर पर विशिष्ट लाल चकत्ते दिखाता है। इससे संक्रामक रोगियों में कोई खास लक्षण नहीं होते। रूबेला वायरस से संक्रमण 3 से 5 दिनों तक रह सकता है और यह तब तक फैल सकता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या नाक और गले से स्राव होता है। सचिव ने कहा कि इस बीच भारत द्वारा 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद 5-6 देशों ने भारतीय गेहूं मंगाने का अनुरोध किया है और सरकार ने ऐसे देशों को अनाज के निर्यात से संबंध मंजूरी देने के लिए समिति बनाई है। पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं को लेकर तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं के खेत को खरीद करने के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि हमने इस रिपोर्ट की जांच की है। यह ITC द्वारा किया गया निर्यात था और यह गुणवत्ता की सभी जरूरतों को पूरा करता है। कृषि विभाग और कृषि निर्यात संवर्धन निकाय APTA इस मुद्दे पर तुर्की के क्वारंटाइन अनाज को कीट मुक्त रखने की प्रक्रिया को अधिकारियों के संपर्क में करते हैं। रिपोर्ट ITN।